नमस्कार दोस्तों, आज दोस्तों मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे। प्रोडक्ट तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन कुछ बिजनेस के बारे में बात करना चाहूँगा। दोस्तों, बिजनेस क्या है? क्यों आप नौकरी करते हैं? क्यों आप बिजनेस नहीं करते हैं? आप शायद ये बोलेंगे कि भैया आप भी तो यहाँ जॉब करते हो। हम करते हैं जॉब, लेकिन क्योंकि हर सिटी का एक लेवल होता है, हर चीज़ का एक काम का एक सिस्टम होता है। दोस्तों, मैं तो कहता हूँ नौकरी छोड़ो, व्यापार करो, एक छोटी पूंजी से करो। करो जरूर, घर से करो, छोटी दुकान से करो, भले आप फुटपाथ से करो, लेकिन व्यापार करो। अब कौन सा व्यापार करना चाहिए? अब मैं बोलूँगा कपड़े का व्यापार, तो आप बोलोगे भैया आप दुकान पे हो तो आप तो कपड़े का हो, तो आप कपड़े का ही बोलोगे। देखो, अपना जो भारत देश है वो तीन चीज़ों पर टिका हुआ है, रोटी, कपड़ा, मकान। अब रोटी मतलब हुआ होटल बिजनेस, वो भी कर सकते हो, बुरा नहीं है, लेकिन उसमें आपको बनाना आना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा मसाला कितनी क्वांटिटी में डलता है। उसके बाद होता है कपड़ा। अब आप बोलोगे कपड़े की भी हमें जानकारी, लेकिन भैया कपड़े की जानकारी हम दे सकते हैं, कपड़े को आपको बनाना नहीं है, आपको एक सही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जुड़ना है जो आपको पूरा नॉलेज देगी। अब थर्ड पॉइंट होता है मकान। अब मैं नहीं बोलूँगा कि आप मकान बनाओ, क्योंकि मकान बनाने में बहुत पैसा लगता है, प्रॉपर्टी बिजनेस में बहुत पैसा लगता है। तो आपके लिए मेरे हिसाब से अच्छा पॉइंट कौन सा रहेगा? कपड़ा। अब कपड़े के लिए आप सोच रहे हो भैया किससे लेवे, कहाँ मिलता है ये अच्छा कपड़ा, हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो भैया आप सूरत आइए। अब सूरत ही क्यों आइए? क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है सूरत, और सूरत आके जुड़िए आप मैन्युफैक्चरिंग किसी बढ़िया कंपनी से। मैं नहीं कहता हूँ ओम विजय फैशन से जुड़िए, आप किसी भी कंपनी से जुड़िए, लेकिन पहले पता कीजिए क्या वो मैन्युफैक्चरर है या रीसेलर है। या हर कोई बोलेगा मैन्युफैक्चरर है, लेकिन कोई आपको फैक्ट्री दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके पास दिखाने के लिए। और ओम विजय फैशन आपको पूरा फैक्ट्री विजिट कराएगी, पूरा समझाएगी कपड़ा कैसे बनता है, किस टाइप की वैरायटी कैसे बनती है, इस टाइप की फैंसी वैरायटी जो चंदेरी कपड़े में ये कैसे बनती है, कम्प्लीटली आपको इसके बारे में नॉलेज देगा, फिर आपको कपड़ा देगा। शानदार से शानदार वैरायटी आपको एक ही छत के नीचे मिल जाती है, चाहे वो कपड़ा हो, सॉरी, चाहे वो साड़ी हो, पेटीकोट हो, ब्लाउज हो, लहंगा हो, दुपट्टा हो, फूल अस्तर हो, सारी चीज़ एक ही छत के नीचे मिल जाती है। और फिर आप बोलोगे कि भैया हमें नॉलेज नहीं है, मैं सूरत आऊँगा तो मेरा पैसा लगेगा। भैया सूरत आने और जाने का पैसा आपका लगेगा। आप सूरत रेलवे स्टेशन आइए, बस स्टैंड आइए, एयरपोर्ट आइए, आके हमें फ़ोन कीजिए। फ़ोन करते ही हमारा दिन में होगा तो दिन का ड्राइवर, रात होगा तो रात का ड्राइवर आपको लेने आएगा, लाकर हमारे गेस्ट हाउस पर ठहराएगा। कम्प्लीटली आपको खाने की, रहने की कुछ चीज़ के भी चार्ज नहीं। आप आइए, वहाँ आराम कीजिए, उसके बाद फैक्ट्री विजिट कीजिए। फैक्ट्री में आके समझिए कि भैया इस कपड़े को क्या कहते हैं, मेरे को कितना पैसा लगाना चाहिए कि मैं मेरा व्यापार कर सकूँ, मैं मेरे बिजनेस में सफलता पा सकूँ। वो सारी चीज़ हमारे कंपनी के जो ऑनर है विजय भाई बिहार वाले आपको कम्प्लीटली गाइड देंगे। उसके अलावा हमारी पूरी टीम आपको समझाएगी कि भैया ये वैरायटी ले जा, इस रेट की ले जा, इस रेट में बिक जाएगी तेरे वहाँ। कम्प्लीटली पूरा आपको आपकी ही स्टाइल में, पूरा आपके ही स्टेट लेवल पे आपको पूरा समझाएगी। फिर आप हमसे कपड़ा लीजिए, समझिए, देखिए, वैरायटी तो कोई कमी नहीं होती है। ये आज जो मैं वीडियो बता रहा हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट तो एक थोड़े बहुत दिखाने हैं मेरे को जो मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ बिजनेस के लिए मोटिवेट कर रहा हूँ। दोस्तों सोचिए मत, सोचने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन सोच के जो आगे बढ़ता है वही असली व्यापारी बनता है। सोच गए, सोचते रह गए, चलो ठीक है देखते हैं, सोचते हैं, अरे भैया क्या देखते हो, सही समय अभी है, समय का सदुपयोग कीजिए, आइए सूरत, समझिए, छोटा हो भली बड़ा हो, खुद का व्यापार खुद का ही होता है। इसके लिए मैं कहता हूँ एक बार जुड़िए हमसे और व्यापार कीजिए। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, पूरी डिटेल लीजिए, आइए सूरत और हमसे जुड़िए। आपकी अपनी कंपनी से मैं वरुण ओम विजय फैशन से आपका पूरा स्वागत करता हूँ सूरत आते ही। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और अगर कुछ वीडियो में कमी लगी हो तो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं वरुण, धन्यवाद।